इंट्रोड्यूसिंग ओप्पो रेनो 3 प्रो। दोस्तों 2 मार्च को लॉन्च होने वाला है इंडिया में ओप्पो रेनो 3 प्रो। और दोस्तों ये फ़ोन वर्ल्ड का पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा। दोस्तों ये फ़ोन 4G और 5G दो वेरिएंट में लॉन्च होगा इंडिया में, और फ़ोन में आपको कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 3 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में कि आपको फ़ोन में क्या क्या देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस आपको इंडिया में कितनी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश। साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस OLED 90Hz की डुअल पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 402 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में, और जैसे कि आप सब जानते हैं ओप्पो की रेनो सीरीज़ अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए जानी जाती है। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 44 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो 4G वेरिएंट के साथ आपको मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और 5G वेरिएंट के साथ आपको मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो दोस्तों फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, चाहे वो 4G वेरिएंट हो या फिर 5G। आपको कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 7.0 के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4025 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 30W की वूक 4.0 की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो फ़ोन आने वाला है 2 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 8GB 128GB और दूसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों 4G बेस वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 30,000 के अंडर देखने को मिलेगी, जबकि 5G के वेरिएंट की प्राइस आपको इंडिया में 35,000 से 40,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।